हेलो गाइस, मैं सूरज और आज आपकी नई वीडियो को स्वागत है। दोस्तों, अपने अपने यूट्यूब चैनल पेपर हैकर में आपका स्वागत है। देखिए, आप जानते हैं, जब यदि यूट्यूब चैनल का नाम यदि पेपर हैकर है, तो दोस्तों पेपर को पहले ही हम हैक करा देते हैं। और सबसे बात यह है कि जो जो क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ 2020 के एग्ज़ाम के लिए, समझ लो वो पेपर लीक हो चुका है। और देख लेना, मैं बाप से वादा करता हूँ कि इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। केवल मैं आपको बताने वाला हूँ, केवल 19 से 20 क्वेश्चन इस वीडियो में बताऊंगा, और आप 2020 में 90% प्लस लाएंगे, 90% प्लस लाएंगे, टॉपर बनेंगे, मैं आपसे वादा करता हूँ। लेकिन 90+ लाने के लिए आपको मेरी तीन शर्तों को मानना पड़ेगा, तभी आप टॉपर ला सकते हैं, वरना टॉपर की छोड़ दो बात। जो टॉप करना चाहते हैं ना, उसकी बात कर रहा हूँ। लेकिन जो टॉप करना चाहते हैं, उन्हें हमेशा याद रखना, इंग्लिश में लिख के आएंगे, इंग्लिश में टोटल पेपर को लिख के आएंगे, एक भी शब्द हिंदी में नहीं लिखेंगे, याद रखना। तभी आप 90% टॉपर बन पाएंगे, तभी तुम टॉपर कर पाओगे BSc में, वरना टॉपर के सपने छोड़ दो। दूसरी बात हमेशा याद रखना, जो आप हिंदी और इंग्लिश लिखने आते हैं, हिंदी और इंग्लिश लिख के आते हैं, वो याद रखना 70 से ऊपर जा पाएंगे, ठीक है। 70 से ऊपर % बनेगी, ये मत समझना 70 से 71 बन जाए, 72 बन जाए, बस 75 तक बनेगी, इससे ज़्यादा नहीं बनेगी। सेकंड विजन मारो, याद रखना, जो हिंदी और इंग्लिश लिख के आते हैं, जो टोटल हिंदी लिख के आते हैं एग्ज़ाम में, टोटल हिंदी लिख के आते हैं, वो उनकी 50 से 55 के बीच रहती है, 55 से 1% ऊपर नहीं होती, ये बात याद रखना। ये तीन बातें याद रखना, हर एक स्टूडेंट को याद रखने की चीज़ें हैं। और ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन आते हैं, आपको पता होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन आ जाए ऑब्जेक्टिव टाइप, उनकी PDF हमने लिंक नीचे डिस्कस में दे रखा है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। 3 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, 3 से 4 नंबर, जो 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, 3 से 4 नंबर पक्के मिलेंगे हर पेपर में। वो PDF को डाउनलोड करके तभी एग्ज़ाम देने जाना, मैं आपसे वादा करता हूँ। पेपर में देखिए, टॉपर करने के लिए या आपको एग्ज़ाम में पास होने के लिए एक एक नंबर बहुत होता है, तो एक भी नंबर को कहीं से मिल रहा है तो उसे गंवाना मत। मैं आपको PDF से 3 नंबर दे रहा हूँ, तो वहाँ से ले लो, ठीक है। उससे क्वेश्चन आ रहे हैं हर साल एग्ज़ाम में, मैंने बहुत ध्यान से उस PDF को बनाया है, तो एक्चुअली उस PDF को आप डाउनलोड कर लो। यदि आपको नोट्स चाहिए ना फिजिक्स फर्स्ट ईयर वालों, केमिस्ट्री के, तो नोट्स भी लिंक नीचे डिस्कस में दिखा रहा है, नोट्स भी डाउनलोड कर लेना, वो आपको हिंदी में मिलेंगे, ठीक है। और हिंदी की मैंने इंग्लिश कैसे बनाते हैं वो भी मैंने वीडियो बना रखी है, वो भी देख लेना, ठीक है। सारी की सारी वीडियो मैंने हिंदी और इंग्लिश में ही नोट्स की बनाई है। तो आई होप मेरी वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर देना, और जो पहली बार चैनल पे आए वो सब्सक्राइब करके जरूर बेल के आइकन को दबाना। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं जूल का नियम क्या होता है, ये आपको देख के जाना है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, जूल थॉमस प्रभाव क्या होता है, ठीक है, जूल थॉमस इफेक्ट से कहते हैं। उसके बाद में आता है ब्राउनियम गति की नियम, ब्राउन गति है उसके बारे में लिखने के लिए क्वेश्चन आता है, ये आपको लिख के याद कर लेना, एक एक पॉइंट देख लेना इसका। उसके बाद में देखिए वाइल्डर वाइल्स अवस्था समीकरण के बारे में आपको देख के जाना है। कोई यदि आपको क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, शॉर्ट में नहीं मिल रहा है, इसकी शॉर्ट में वीडियो बना दूंगा, तो आप मुझे एक बार कमेंट जरूर करें, ठीक है। और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना यार, उन्हें भी बता देना, उन्हें अच्छे नंबर से पास हो जाएं, क्योंकि इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, मैं आपसे वादा करता हूँ। उसके बाद में स्वतंत्र कोटि क्या होती है, इसके बारे में आपको देख लेके जाना है, ठीक है। डायग्राम ऑफ फ्रीडम के बारे में, स्वतंत्रता क्या होता है, जिसे शांता कहते हैं, शांता क्या होता है, ठीक है, तो ये भी आपको। और पुनर्ज्योति संतुलन सिद्धांत के बारे में ज़रूर एक देख के जाना है। उसके बाद में नेक्स्ट एंट्रोपी क्या होता है, और कर्णों की प्रेमी क्या होती है, ये भी देख के जाना है। रुद्धोष्म तथा समतापी व्यवस्था के निष्पत्ति कैसे होती है, ये भी आपको देख के जाना है। उसके बाद रुद्धोष्म विचम्बक क्या होता है, ये भी आपको एग्जाम में देख के जाना है क्वेश्चन। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो देखना है वो देखना है स्टीफन बोल्टमेज नियम के बारे में भी देख के आपको देख के जाना है, ठीक है। उसके बाद में आता है ऊष्मा गतिकी का नियम, जो भी है सारे के ऊष्मा गतिकी के नियम, प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, तीनों देख लेना। और विभव क्या होता है, ये भी आपको देख के जाना है। उसके बाद बस थोड़े से क्वेश्चन और रह गए, बस ऐसे 4-5 से क्वेश्चन है, वो भी आपको याद कर लीजिए। ऊर्जा समव्यय विभाजन का नियम भी आपको याद करके जाना है। और एक बात बता दूं दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आपको एग्ज़ाम में 1 दिन या 2 दिन रह जाएंगे, तो मैं आपको केवल 10 क्वेश्चन दूंगा। यदि पेपर लीक हो गया तो पेपर लीक कराते हैं, और जैसे पेपर लीक होगा सबसे पहले 10 क्वेश्चन दूंगा, और जिससे 70% प्लस आपकी बन जाएगी, ठीक है, वहाँ से 70% प्लस बन जाएगी, याद रखना। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ सबसे पहले आपको मिल जाना चाहिए। उसके बाद रुद्धोष्म प्रसार जुड़, ठीक है, ये तो मैंने आपको बता ही चुका हूँ, नहीं देखिए ऊर्जा
समविभाजन का नियम भी आपको देख के जाना है, रुद्ध प्रसार क्या होता है, जूल प्रसार क्या होता है, जूल थर्मस प्रसार ये भी समझना। देखिए प्रसार की बात हो रही, जूल थर्मस इफेक्ट की बात हुई थी पीछे, ठीक है, तो प्रसार के बारे में देख के जाना। उसके बाद में आता है सोपानी शीथल के सिद्धांत के बारे में, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो हर साल एग्जाम में पूछा जा रहा है। समतापीय विक्रम और रुद्धोष्म विक्रम के बारे में भी आपको देख के जाना है, प्रोसेस के बारे में, और उसमें गति की गति की मैंने कहा था तीनों नियम याद कर लेना, प्रथम द्वितीय तृतीय नियम, और ये आता बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। मैक्सवेल के ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम, आप ऊष्मा गतिकी का नियम भी आपको देख के जाना है ये बहुत, और ऊर्जा उत्सर्जन क्षमता, बस आप इतना क्वेश्चन यदि याद करके जाते हैं तो हमसे वादा करता हूँ कि 90% प्लस बनेगी। और टॉपर करने के लिए टोटल इंग्लिश में ही यूज करना, ठीक है, यूज़ करना है टोटल इंग्लिश का, और बस आप इतना करके आते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूँ 90% प्लस आएगी। एक भी क्वेश्चन बाहर आ जाए तो कह देना, सच में बोल रहा हूँ, 2020 का एग्जाम लीक करा देंगे हम, ठीक है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसे 10 क्वेश्चन दूंगा आप 10 ही क्वेश्चन याद कर लेना बाद में, लेकिन 10 क्वेश्चन याद वो ही करना जो यार बिल्कुल याद ना हो जैसे, लेकिन इतने दिन पहले मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ तो याद रखना यार, इनसे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इन क्वेश्चनों को याद कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कर लो, यदि आपके पास नोट्स है उस पर टिक लगा लो। थैंक यू।